अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सर्डी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो आज की जो हमारी वीडियो है डिमांडिंग है एक भाई की तरफ से। और मैं इससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे नात को लेके रिएक्शन देने को कहा था, बट सॉरी गाइज वो अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, उसके लिए थोड़ी परमिशन की नीड थी। सो वो डाल रखी है, अभी उसके लिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आज की जो हमारी वीडियो है जो डिमांडिंग है, मर्द की कदर करो, उससे मत करो, यूज़ मत करो। ये शायद उन लड़कियों के लिए है जो रिचार्ज कराती हैं, जो शॉपिंग पे लेके जाती हैं, और जो जो होंगी वो समझ ही जाएंगी। लेट्स सी, मर्द की कदर करो, यूज़ मत करो। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। भाई हमने बच्चे का फ्यूचर देखना है, और एक बात मैं माओं से ये कहता हूँ कि देखो तुम्हारा मियाँ जितना भी आड़ा तिरछा है ना, थोड़ा बहुत जुल्म तो कर रहा है, बच्चों के सामने कभी भी बाप और बच्चों की लड़ाई हो या कोई इख्तलाफ हो तो औलाद को फेवर ना किया करो कभी भी नहीं। जो खवातीन मेरा बयान नहीं सुन रही वो क्या करती हैं कि शुरू में तो शोहर की जरूरत है, जवान शोहर है, कमा के खिला रहा है, शोहर से बना के रखती है, तलाक भी नहीं लेती, खुला भी नहीं लेती। भाई पैसा आ रहा है क्या करो, आने जब बेटे जवान हो गए और ये कमबख्त हो गया बुढ़ा, कमबख्त ने बुढ़ा तो होना ही है ना, अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, बेटे भी जवान हो गए, बच्चियां भी बड़ी हो गई, अब माँ बच्चों के साथ मिलके तबीयत से धोती है अपने शोहर को, और फिर मेरे पास भी शिकायतें कर रही होती है, हाय हाय हाय, मैं तो खुला लेना चाहती हूँ, मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ एक्चुअली इनसे। मैं कहता हूँ फिर पहले ले लेती, भाई मजबूर थी मैं क्या करती, मैं मजबूरी में नहीं ले सकती थी, मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे थे मैं कहाँ लेके जाती। मैं कहता हूँ इसका मतलब मजबूरी ने मैं इसने सहारा दिया ना आपको, इसी वजह से तो नहीं ली कि मैं लावारिस हो जाऊंगी, शेल्टर दिया ना इसने तो इसका एहसान मानो ना कि इसने शेल्टर दिया, इससे उस वक्त तलाक लेती रोड पे आ जाती, बच्चों को लेके कहां जाती, इसने नहीं दी शेल्टर दिया, अब उस शेल्टर के एहसान का तकाजा ये है कि इस बुड्ढे को बर्दाश्त करो। नहीं यही बात समझ में, तो गैरतमंद, ये मैंने बेगैरतों का वाक्य सुना है ना, अब गैरत का भी सुनो। एक मैंने बेगैरत वाक्य सुनाया ना कि अब्बा की जायदादों पर नजर, और अपने शेख का वाक्य सुनाया कि वो सच्ची अब्बा भी रूहानी अब्बा है, उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा सारा खर्चा कौन उठाए, आप उठाए, मैं आपसे ही मांगा करूं, मुझे आपसे मांगने में मजा आता है। ये आला दर्जे की गैरत की मिसाल हो गई, आप इतने नहीं जा सकते, बीच में आ जाए, किसी खांचे में आ जाए। अब मैंने मिसाल दी ऐसी औरतों की कि वो शोहर के जवानी में तो बहुत अच्छे चले उसके साथ, निचोड़ लिया, अब बुढ़ापे में क्या मांग रहे हैं उससे, तलाक मांग रहे हैं, तलाक नहीं मांग रहे, वो बुढ़े उस कमरे में पड़ा रहकर इधर नहीं आएगा, तो ये भी होता है। और इसके बरक्स गैरतमंद औरत के वाकयात भी, कल मेरा एक जनाजे में जाना हुआ, खातून की उम्र 95 साल, कितनी, जिनका इंतकाल हुआ, हमारे कोई दूर की रिलेटिव थी, उनके बेटों से मैं मिला, इतने गमजदा थे, इतने गमजदा। मैंने कहा आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ, उन्होंने कहा 93 में, यानी 93 सन, यानी 77 साल या 75 साल वालिद साहब की उम्र थी। मैंने कहा माशाल्लाह आप लोगों ने अपनी वालदा की खिदमत बहुत की, उन्होंने कहा हाँ की है, क्यों की है, कह रहे हैं हमारे वालिद 10 साल से बिस्तर पे थे, फालिश था, और मेरी माँ की पेशानी पर एक दिन की लकीर बोलो नहीं आई, ऐसी मेरी माँ ने मेरे बाप की खिदमत की है ना, उसके बाद से फिर हमने भी क्या किया अपनी माँ की खिदमत में कोई कसर, समझ में नहीं आ रही बात। ये जो माए बच्चों को बाप के खिलाफ बरगला रही होती है, ये समझती है कि फिर बुढ़ापे में बच्चे हमारी खिदमत करेंगे, ना वो बाप के रहते हैं ना वो माँ के रहते हैं। जो बाप अपने बच्चों को माँ के खिलाफ बरगलाता है, अपनी बीवी के खिलाफ बरगलाता है, वो इस खुशफहमी में होता है कि ये माँ की साइड छोड़कर मेरी साइड पे आ जाएंगे, ना 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 ना, ना। जो बच्चा माँ को नहीं मानेगा ना वो बाप को भी नहीं मानेगा, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता। बच्चा उसी की तरफ जाएगा, देखेगा कि कौन जोड़ की बात कर रहा है और कौन तोड़ने की। शुरू में तो ना समझ होता है, लेकिन इतनी अल्लाह ने सेंस हर एक को दी है, थोड़े दिनों के बाद उसकी खोपड़ी में आ जाता है सही कौन है गलत कौन है। सीरियसली समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। औरत वो कहते हैं 10 साल हमारे वालिद की खिदमत की, आज जरा सा कुछ मसला हो जाए औरतें खुला खुला के पेपर जमा कराओ,
मैंने आड़ा तिरछा, ये तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ना, जब मेरे पास आया तो फर्मा बिल्कुल ठीक था। अब इसकी एक साइड क्या हो गई है, एक साइड की बैटरी। एक आदमी गया कि मुझे एक साइड की बैटरी चाहिए, उसने कहा हमारे पास दो साइड की बैटरी, एक साइड की बैटरी, एक साइड होती है, एक साइड बैटरी लो तो दो साइडों की लो वरना नहीं लो। तो जब ये आया था तो पूरा सही था, मेरे अब्बा ने जब शादी की थी इसकी, तो अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, आड़ा तिरछा हो गया, अब ये कमाने के काबिल भी नहीं है। अब ये तो पहले वफा थी, बीवी को फालिज हो गया, मियाँ बर्दाश्त करता है। दुआएं हमें तो याद है यार, बचपन में कैसे लोग, मेरी बेगम को फालिज हो गया, दुआएं कर रहे हैं उसके लिए, उसकी खिदमत की। हमारे एक जानने वाले थे, वो भी बुढ़ी उम्र में फौत हुए, सारे बूढ़े हमारे महल्ले से चले गए, वो नहीं जा रहे थे माशाल्लाह, अब गए वो। उनका क्या था, उनकी बीवी 20-25 साल बिस्तर पे रही है और शोहर ने 20-25 साल बीवी की खिदमत की है, जैसे कोई अपने बुजुर्ग की खिदमत करता है। उसके कपड़े तब्दील कराना, उसकी गंदगी साफ करना, उसकी दवाओं का ख्याल करना, क्योंकि बच्चे छोटे थे, वो नहीं कर सकते थे। बात किसने किया, एक्चुअल में होता है ऐसे सीन, मैंने भी देखे हैं। इंतकाल हुआ उनका, और ये खातून ने अपने मियां की खिदमत की, इनका इंतकाल कब हुआ, 90-95 में। मैंने इनको भी हदीस सुनाई, मैंने कहा सही है, बुखारी की हदीस है, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में अल्लाह बरकत दे, लंबी उम्र दे, उसको चाहिए रिश्ते जोड़े, तो रिश्तों में तो औरत के लिए सबसे अच्छा रिश्ता शौहर और माँ बाप, और शौहर के लिए बीवी, यही है ना। तो इनकी जो खिदमत करता है ना अल्लाह, उसकी वजह से उम्र में भी बरकत देते हैं और फिर आपके मातहतों को भी आपकी खिदमत की तौफीक देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सारा वो सेटअप, बस सबकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ है। यूनिवर्सिटियों में जाओ, अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे, अच्छे साइंसदान कैसे बनेंगे, अच्छे ताजिर कैसे बनेंगे, बस इन्हीं चीजों को फोकस किया हुआ है ना। बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में ये सिखाया जा रहा है कि एक औरत अच्छी बीवी कैसे बनती है, ना लड़के को ये समझाया जा रहा है कि एक मर्द अच्छा शौहर कैसे बनता है, ना औलाद को ये सिखाया जा रहा है कि एक औलाद अच्छी औलाद कैसे बनती है, ना माँ बाप को ये सिखाया जा रहा है कि अच्छे माँ बाप कैसे बनते हैं। तो नतीजा यही निकलना है कि बाप बच्चा पैदा कर रहा है लालच में कि मैंने इससे इसको खींचना है, कमाना है, दूसरा आने नहीं दे रहा कि मेरा खर्चा डबल ना हो जाए। माँ बच्चे को पाल रही है, स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं, एकदम डिप्रेशन में जा रही है, क्यों, उसको अपना फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, तारीख नजर आ रहा है। तो भाई हमारे तो बच्चे फेल भी हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। जब आप बच्चों से, बच्चों की खातिर डील करते हो तो फिर बच्चों के फेल होने पर आपको थोड़ी सी टेंशन होती है, ज्यादा नहीं होती। बाज दफा जहीन बच्चा फेल होता है, इसकी अलामत है, कुछ करके जाएगा ये दुनिया में, नहीं तो चार शादियां तो करेगा जरूरी है। हकीकत बता रहा हूँ, बेवकूफ लोगों का काम चार शादियां है नहीं, समझ रहे हो, ये पता नहीं चार शादियां कहां से आ गई। तो खैर, ख्वातीन बयान सुन रही हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मैं उनसे चार शादियों का भी रीजन है, तो पहले वो रीजन पड़े, इस चीज, इस लाइन को पकड़ के कोई ना बैठे। ये मैं तौबा में मुखलिस हूँ, इसकी अलामत ये कि 25 दफा पहले भी मैं तौबा कर चुका हूँ, और शादी से पहले इजाजत लेना आया है, सो किसी ने हजरत से पूछा, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब से, हजरत आप इतने बड़े बुजुर्ग हो के पान खाते हैं, आप इसको छोड़ते क्यों नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 5-6 दफा छोड़ चुका हूँ, एक दफा आप कह रहे हो एक दफा छोड़ो, मैं कितनी दफा छोड़ चुका हूँ, 5-6 दफा छोड़ चुका हूँ। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा तौबा कर चुका हूँ, तो मैं फिर तौबा कर रहा हूँ, और अब अगली दफा जब मैं तौबा करूंगा तो 27वीं दफा होगी वो तौबा। सब कहते हैं कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है बेबी का, वो जो अपने घर में देखता है वो वही सबसे पहले ग्रैब करता है, और बच्चों की थिंकिंग या नॉलेज क्या, ब्रेन, मतलब ऑलमोस्ट उनकी पावर इतनी होती है ग्रैब करने की, इतनी फास्ट होती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं, बातें कैच कर लेते हैं, एक्शंस कैच कर लेते हैं। तो तभी कहते हैं कि बच्चों के सामने कभी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो वो कैच कर लें और वो आगे जाके उस चीज़ को माइंड में रखें। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो पेरेंट्स जब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं तो वो देख लेते हैं और वो उस चीज़ को माइंड में स्टोर करके बैठ जाते हैं, हाँ ये चीज़ हुई थी। सो इफ़ अगर कोई मेल हस्बैंड अपनी वाइफ को डांट रहा है या मार रहा है, या होते हैं वायलेंस, होते हैं हर घर में होते हैं, सो ये चीज़ जब हो रही होती है और बच्चा अगर माइंड में बिठा ले कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारा था, सो वो चीज़ उस हस्बैंड के लिए बहुत नेगेटिव चली जाती है। सो
और अगर बीवी अपने शौहर से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करे या लड़ाई झगड़ा हो तो वो उसके लिए नेगेटिव होता है। सो दोनों चीज़ें हमेशा बराबर करके चलनी चाहिए। और बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने एक्शंस करने से पहले आप ये ध्यान में रख लो कि आसपास आपका बेटा या बेटी जो छोटा है वो आपको देख तो नहीं रहा, क्योंकि जो वो देखेगा वो वही चीज़ें कैच करेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ 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 कमेंट करके शेयर करना, और इससे आगे की जो भी वीडियोस हो प्लीज़ हमें सजेस्ट करना। बाकी जो भी हमारे भाई ने सजेस्ट करी थी हमें वो हमें बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।